वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम रागी के आटे की इडली। तो ये लिए मैंने पौनी कटोरी सूजी, ये डालेंगे और इतना ही मैं डालूंगी इसमें रागी का आटा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से तैयार हुआ है, और इसको रेस्ट के लिए हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद बनाएंगे इसे हम इडली। तो चलिए इसको 10 मिनट तक रेस्ट करने देते हैं। 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से तैयार हुआ हमारा इडली का बैटर। अब इसमें डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। ये हम तभी डालेंगे जब हम इडली बनाएंगे, साथ के साथ फटाफट बना लेंगे। और इसमें मैंने इनो फ्रूट सॉल्ट जो है वो 1/4 चम्मच लिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स करके और इडली के स्टैंड में भर देंगे। तो ये देखिए जो हमने इनो फ्रूट सॉल्ट डाला था उससे कितना फ्लफी हो गया हमारा बैटर। और ये मैंने इडली के स्टैंड पे ऑयल लगा दिया था पहले ही। तब इसको भरेंगे हम। कुकर में पानी रख दिया था गर्म करने के लिए। तो रखेंगे हम इडली के स्टैंड पर इसके अंदर और 15 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे और इसको कवर कर लेंगे। कुकर की जो सीटी है उसको निकाल देंगे, उसको नहीं लगा के रखना हमने। और अब इसको हम 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे ताकि हमारे जो इडली है वो अच्छे से स्टीम हो जाए और कच्ची ना रहे। गैस वो करते हैं बंद और इसकी स्टीम निकलने देंगे, उसका ढक्कन खोलेंगे। चलिए इसकी निकल गई, अब ढक्कन खोल लेते हैं। ये देखिए इडली हमारी तैयार है। थोड़ा ज़रा इसकी स्टीम निकल जाए तो आराम से इसको बाहर निकालेंगे हम। ज़रा इडली को ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो थोड़ा इनको ठंडा होने देते हैं। इनको थोड़ा ठंडा करने का ये भी है कि जब हम इडली निकालेंगे तो इजीली ये निकल जाएंगी और चिपकेंगी नहीं। ये तैयार है हमारी रागी की इडली, एकदम सॉफ्ट बनी है और स्पॉन्जी बनी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।